हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के जनजातियाँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक नंबर से जनजाति से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, फर्स्ट है कि पनियान तथा इरोला जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो पनियान तथा इरोला जनजाति है वो केरल में है, पनियान तथा इरोला जनजाति वो केरल में निवास करती है। दफला तथा सिम्पो जनजाति, दफला तथा सिम्पो जनजाति किस राज्य की है। तो अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश को होगा जाएगा दफला तथा सिंगपो, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है लेपचा तथा भूटिया जनजाति। तो लेपचा भूटिया ये सिक्किम के है, लेपचा और भूटिया। उसके बाद है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं। ओंजो जनजाति तो वो रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ओंजो जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है। तो सहरिया जनजाति राजस्थान से है, सहरिया कहाँ के है तो राजस्थान से, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो डोगरी है ये राजस्थान के नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के है, बाकी राजस्थान के है भील मीना सहरिया, भील मीना सहरिया राजस्थान के है और डोगरी है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति। तो मुंडा है झारखंड के, मुंडा जनजाति वो झारखंड के है, तो इसको आप याद रखेंगे। भील जनजाति, तो भील ये गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। भील जनजाति राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात ये तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुकी जनजाति। ये कुकी जनजाति ये मणिपुर को है, कुकी जनजाति मणिपुर में रहते हैं। नेक्स्ट है गारो खांसी और जनतिया जनजाति ये मेघालय में है, गारो खांसी और जनतिया कहाँ के है तो ये मेघालय में है, तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है आवो जनजाति। तो आवो असम के है, आवो जनजाति कहाँ के है असम के है। गोंड जनजाति, तो गोंड है आंध्र प्रदेश के, गोंड जनजाति सबसे बड़ा जनजाति है, गोंड ये कहाँ के है तो आंध्र प्रदेश के गोंड जनजाति। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति। तो कुकी जो है ये मणिपुर का है, कुकी जनजाति मणिपुर के। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये गोंड है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। तो मौसमी प्रवास से संबंधित है भोटिया, कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है वो भोटिया जनजाति। चेंचू जनजाति किस प्रदेश में है। तो चेंचू जो है आंध्र प्रदेश और केरल में पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश इसको आप याद रखेंगे, चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है ओरांव जनजाति। तो ये झारखंड के है, ओरांव जनजाति कहाँ के है ये झारखंड के है। टोडा, तो टोडा है नीलगिरी पहाड़ियों का, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति, तो झारखंड के है सबसे बड़ी संथाल जनजाति, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल हो जाएगा। गारो जनजाति, ये गारो ये मेघालय में है, गारो जयंतिया हिल ये सब मेघालय में है। बोडो जनजाति, तो बोडो है गारो पहाड़ी के, बोडो जनजाति है गारो पहाड़ी के। गद्दी, गद्दी जनजाति है हिमाचल प्रदेश के, गद्दी हिमाचल प्रदेश के जनजाति है। नेक्स्ट निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन, तो सोमपेन जो है निकोबार द्वीप समूह में है, सोमपेन निकोबार द्वीप समूह में जनजाति रहते हैं। निम्नलिखित में से अंगाड़िया समुदाय कौन सा है। तो अंगाड़िया जो है गुजरात के परंपरागत लवन पटल श्रमिक समुदाय के, अगाड़िया जनजाति है गुजरात के परंपरागत लवन पटल श्रमिक समुदाय के हैं। भील जनजाति, तो भील पाया जाता है महाराष्ट्र में, भील जनजाति महाराष्ट्र के है। नेक्स्ट भारत के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा बहुपतित्व की प्रथा मानती है। वो नागा और टोडा जनजाति। नेक्स्ट भारत के सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जंगल का आदमी, बिरहोर
बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। नेक्स्ट है धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संहिता है, तो धूमकुरिया जो है ये ओरांव जनजाति का है, धूमकुरिया ओरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, हरियाणा में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट निम्नलिखित जातियों में से कौन सा केरल में पाया जाता है, तो चेंचू जो है केरल और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई, तो हरियाणा में अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है। थारू जनजाति पाई जाती है, तो थारू जो है तराई प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समुदाय मणिपुर में, तो कुकू जो है जनजाति मणिपुर में, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति मूल क्षेत्र है, तो टोडा है नीलगिरी पहाड़ियों का। नेक्स्ट है नाच गागर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है, तो गरसिया जो है, नाच गागर कहाँ के है, गरसिया राजस्थान। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश में, भील जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, तो बादगा, बदगा जो है नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, तो बदगा जनजाति आपको याद रखना है नीलगिरी पहाड़ी से। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो थारू, थारू जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, तो थारू जनजाति ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद।